नमस्कार, दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एएफटी। सबसे पहले बात करते हैं एएफटी के परिचय के बारे में। इसका पूरा नाम आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है। यह भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 2009 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत इसका गठन किया गया था। इसकी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में स्थित है, जबकि क्षेत्रीय बेंच चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि जगहों पर हैं। एएफटी की प्रोसीडिंग आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 2008 के अनुसार चलती है। बात करते हैं अब इसके कार्य की। आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 एवं एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत किसी भी व्यक्ति के कमीशन किए जाने, उसकी नियुक्ति, नामांकन और सेवा की शर्तों से जुड़ी शिकायतों और विवादों का निपटारा करना इसका एक अहम कार्य है। इन कानूनों के तहत कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, सजा आदि के खिलाफ की गई अपील को सुनना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब बात करते हैं इसकी संगठनात्मक संरचना की। इसमें अध्यक्ष होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। सामान्य स्थिति में ट्रिब्यूनल की प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य एवं एक प्रशासनिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य के तौर पर हाई कोर्ट के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। प्रशासनिक सदस्य की बात करें तो कम से कम 3 वर्षों तक आर्मी में मेजर जनरल या इससे ऊपर या इसी रैंक के बराबर नेवी और एयरफोर्स में सेवा करने वाले अधिकारी इसके सदस्यों में शामिल होते हैं। इसके अलावा कम से कम 1 साल तक जज एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा की हो, यह भी इसकी सदस्यता के लिए एक शर्त है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।